वास्तव में दुर्योधन अजय ही है। प्रणिपात पितामह। कल्याण हो कुमार, यदि आज की स्पर्धा का कोई परिणाम आया होता तो महाराज के कहे हुए वचन सत्य प्रतीत होते। परिणाम नहीं आया, मैंने चार चार पांडवों को परास्त किया सबके सामने पितामह। संध्या के समय जो योद्धा खड़ा था वो आप नहीं थे। वो कुमार अर्जुन भी नहीं थे महामहिम। उनके सामने अंगराज कर्ण खड़े थे अपराजित। इसीलिए ये स्पर्धा परिणामहीन रही। किंतु पितामह, तो आप पराजित योद्धा मेरे पक्ष में है, अब मेरा मित्र और मेरा सहयोगी, अर्थात मेरे पक्ष में अधिक शक्ति है आज। और महामहिम मेरे प्रिय भांजे ने यह सिद्ध कर दिया कि वो केवल उत्तम योद्धा ही नहीं पर उत्तम युवराज बनने की क्षमता भी रखता है। कर्ण को अंगराज घोषित कर उसने अंग देश को शासक दिया, मगध जैसे शत्रु को घेर लिया, अपने और राष्ट्र की शक्ति में असाधारण वृद्धि की है। संधि और विग्रह, ये दोनों का ज्ञान है दुर्योधन के पास। महामहिम, अब युवराज को ये सब कार्य भी तो करने ही पड़ते हैं। केवल बाहुबल से तो राज्य नहीं चलते। यथार्थ कह रहे हैं अब मामाश्री। सिंह से रक्षण के लिए जंगल के छोटे निर्बल जीवों ने एक सेना बनाई थी। गुरुदेव ने हमें एक ऐसी कथा सुनाई थी, जिनकी भुजाओं में बल नहीं होता, संधि की बात वो करते हैं मामा श्री। प्रणिपात महाराज। आयुष्मान भव पुत्र, मेरे बाहुबल के विषय में अपने चार भाइयों से पूछो जिन्होंने क्रीड़ांगन में धूल खाई है आज। भाई कहां, अभी तो केवल स्वाद लिया है, कल पूरा क्रीड़ांगन खाकर पचा जाऊंगा। आज की स्पर्धा केवल बाहुबल की थी, अन्य किसी भी प्रकार की योग्यता का आज कोई विषय ही नहीं था। इसीलिए यह स्पर्धा परिणामहीन रही। यदि परिणाम नहीं आया तो कल फिर से स्पर्धा करवाइए पिताश्री, मैं सज्ज हूं। रहने दीजिए भ्राता दुर्योधन, आज स्पर्धा का परिणाम नहीं आया,
यदि कल स्पर्धा का परिणाम आ गया तो आपकी बहुत मान हानि होगी। शकुनी और धृतराष्ट्र कुछ भी करके अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बनाना चाहते, इसलिए धृतराष्ट्र ने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए ये कहा कि मेरा पुत्र दुर्योधन सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तब भीष्म पितामह ने ये कहा कि आज जो स्पर्धा हुई उसका कोई परिणाम आया होता तो महाराज धृतराष्ट्र ने जो कहा कि मेरा दुर्योधन सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, वो सत्य होता। लेकिन आज जो स्पर्धा थी उसका कोई परिणाम ही नहीं आया। तब दुर्योधन कहता कि क्यों नहीं आया, मेरे चार चार पांडवों को परास्त किया है। तब भीष्म पितामह कहते कि संध्या के समय जो युवान खड़ा था वो आप नहीं थे। तब मामा शकुनी कहते कि वो अर्जुन भी नहीं था, वो कर्ण था, और कर्ण तो दुर्योधन के पक्ष में है, यानी कि जीत दुर्योधन की हुई। कर्ण जीता था उस स्पर्धा में और वो उसने पूरा अपना समर्पण मुझे किया हुआ, यानी कि मैं जीता इस स्पर्धा को, ये कहने की कोशिश करे दुर्योधन कि मैं जीता हूँ और अब मुझे युवराज बना दो। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि आज जो स्पर्धा थी वो सिर्फ बाहुबल की थी, उसमें बाकी कोई चीजों का स्थान ही नहीं था, तो आज जो स्पर्धा हुई उसका परिणाम अभी तक नहीं आया। और अर्जुन ने भी बहुत बड़ी बात कह दी कि सिंह से रक्षा के लिए जंगल के अन्य जीवों ने एक सेना बनाई थी, यानी कि अर्जुन वहां ये कहने की कोशिश करे कि हमसे रक्षण के लिए आप लोगों ने एक सेना बनाई हुई है, आप सभी लोगों से संधि करे, कर्ण को भी अपने साथ ले लिया, ये संधि और सबसे मित्रता वही लोग करते हैं जिनकी भुजाओं में बल ना हो और उनको सामने वाले से भय हो और उनके रक्षण के लिए ये लोग सबसे मित्रता करते और संधि करते। तो अर्जुन यहाँ पर ये कहने की कोशिश करे कि आप हमसे बचने के लिए आप हमारे साथ तो लड़ नहीं पाओगे, इसलिए हमारे साथ लड़ने के लिए आप लोगों से संधि कर रहे हो, कर्ण को भी अपने साथ ले लिया ताकि आप हमसे युद्ध कर सको और हमें पराजित कर सको। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।